Oh, very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 10, chapter number 11, and the name of the chapter is construction. In this lecture, I'm going to take the question number 5 and onwards from the exercise 11.2 from the NCERT math. I already started the chapter and drew each and every question from the exercise 11.1 as well as exercise 11.2 from the question number 1 to question number 4 in my previous one videos. So if you still not watch the previous one video, so please do watch all that videos, for that was very very interesting. So now I'm going to start the question number 5. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting, so please be alert. Now please look at the board. Question number 5. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एबी. आपको एक एबी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. इट मींस मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाता हूं, फिर आप इसका फेयर डायग्राम बनाएंगे. तो स्टार्टिंग में कहता है कि आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो एबी ऑफ 8 सेंटीमीटर. तो हम सपोज करते हैं ये एबी, हम 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं. आपने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद क्या कहा उसने, टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. मतलब ए को सेंटर लेकर करके यहां पे 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है. तो आप ओपन करिए कंपास को, 4 सेंटीमीटर रेडियस पे सेट करिए और ए को सेंटर बना के यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करिए. फिर कहता है टेकिंग बी एज अ सेंटर. अब बी को सेंटर लेकर करना है. ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. आप अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर पे सेट करिए और बी को सेंटर बना के यहां 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करिए. इट मींस ये सर्कल ये आ गया आपका. नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ईच सर्कल. दोनों सर्कल पर क्या ड्रॉ करनी है आपको, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, दैट इज द पार्ट. तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ हो गया, फिर इसका आप हाफ करिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेंगे. जिस भी पॉइंट पे कट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट. और मिड पॉइंट को बना के आप क्या ड्रॉ कर लोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे. तो जिन भी पॉइंट पे कट करेगा, जैसे इन दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, तो ये क्या आ गई, ये दो टेंजेंट आ गई किस सर्कल पर, इस सर्कल पर, जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर. ऐसे ये दो पॉइंट यहां से मिल रहे हैं आपको, इन दोनों पॉइंटों को यहां से ज्वाइन कर दीजिए. तो ये दो जो टेंजेंट है ये कहां पर आ गए, सेकंड सर्कल पर, जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर. और दिस वन इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट. तो ये आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, क्लियर है. तो सिंपल सा डायग्राम है, अब हम इसका फेयर डायग्राम बना के देखेंगे. तो आप याद रखिए, एक लाइन ड्रॉ करनी है 8 सेंटीमीटर और एक सर्कल 4 और एक 3, क्लियर है. तो प्लीज मेक अ नोट. Now, अब हम स्टार्ट करते हैं फेयर डायग्राम बनाना. कि फेयर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लीजिए AB. तो यहां पे हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं AB. कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे A को सेंटर बना के 4 सेंटीमीटर की आर्क ओपन करिए. तो मैं सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करने से पहले क्या करता हूं, इसका पहले मैं बाइसेक्टर ही कर लेता हूं. बाइसेक्टर से क्या हेल्प होगी, मुझे ये पता चल जाएगा कि 4 सेंटीमीटर कितना है. वैसे तो आइडिया पता चल गया, देखो ये 4 है यहां आएगा, तो मैं स्टार्टिंग यहीं से करता हूं. चलो आप ए को सेंटर लेट करके 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करिए. हम यहां ड्रॉ करते हैं सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का, ये हो गया आपका सर्कल. ठीक है, ऐसे ही आप 3 सेंटीमीटर का यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां रेडियस कितनी लिया हमने 4 सेंटीमीटर. अब मैं यहां से सर्कल ड्रॉ करता हूं कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का. तो मैं यहां से ड्रॉ करता हूं,
एक बार दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या ड्रॉ किया, दो सर्कल ड्रॉ किए, इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर और इस सर्कल की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल ड्रॉ कर दिए। अब आपको क्या करना है, जो आपकी ये लाइन है ए बी, इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर करना आपको ऑलरेडी पता है, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करिए। यहाँ 8 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो गया 4, 4 से ज्यादा इट मीन 5 सेंटीमीटर के कंपास सेट करिए, उसको रेडियस सेट करिए और यहाँ पे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए। कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइम्स ए पे रख के आर्क लगाइए, टू आर्क लगा सकते हो, एक आर्क यहाँ लगाई हमने, एक आर्क यहाँ लगाई। सेकेंड बी पॉइंट पे रख के इस आर्क को कट करना है, ये यहां से कट हो गई और ये यहां से कट हो गई, दोनों कट हो गई, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको नाम दे देता हूं मैं एम। तो दिस वन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको क्या करना है, जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको एम पॉइंट, यहां से ए एम या बी एम दोनों इक्वल है, तो इसको रेडियस सेलेक्ट करके सर्कल ड्रॉ करिए और एम पे को एक सेंटर बनाना है। तो हम एम को सेंटर बनाते हैं, एम को सेंटर बनाते हैं और यहां से सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहां से हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये सर्कल किस किस पॉइंट पे कट करता है, ये फर्स्ट पॉइंट ये रहा वन पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये फोर पॉइंट्स मिले आपको, इसको नेमिंग दे दीजिए P, Q, R, S। अब हम पहला टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, A पॉइंट से करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन A और S, फर्स्ट टेंजेंट आ गया, किस सर्कल पर आइए जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अब सेकंड पे ड्रॉ करिए, ये आपका सेकेंड टेंजेंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंटों पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट को ज्वाइन करिए पी को और इसको, ये आपका थर्ड टेंजेंट आ गया। ऐसे ही क्यू और बी को ज्वाइन करिए, तो ये टेंजेंट कौन सा आ गया हमारा फोर्थ टेंजेंट। तो ये है आपकी कंस्ट्रक्शन, कितनी इजी कंस्ट्रक्शन है, कितना गुड लुकिंग फिगर दिखाई दे रहा है आपको। तो इतना नीट एंड क्लीन आपको डायग्राम बनाना है ताकि आपको कोई एग्जामिनर देखे भी इस डायग्राम को और देखते ही फुल मार्क्स दे दे, क्लियर है? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड कंस्ट्रक्शन स्टेप। पहला स्टेप क्या किया था, मैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की, कितने सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर, फिर ए एंड बी को सेंटर बांध के, टेकिंग ए एंड बी एज अ सेंटर, draw two circles of radius 4 cm and 3 cm radius। तो हमने दो सर्कल ड्रॉ किए जिसकी रेडियस 4 cm थी और 3 cm। स्टेप टू क्या किया हमने, बाइसेक्ट द लाइन ए बी, ए बी को बाइसेक्ट किया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, जो ए बी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था एम पॉइंट पर। तो बाइसेक्ट द लाइन ए बी, लेट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी को हमने क्या लेट कर लिया एम, फिर एम को सेंटर बना के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, taking M as a center, draw a circle of देखा लिख दिया AM, AM radius which will intersect the circle, जो circle को intersect किस किस point पे कट करती थी P, Q, R और S point पर, join करते थे हम BP, BQ, AS और AR, these are the required tangent, सभी को हमने join कर दिया तो वो सब हमारे के आगे tangent। ये simple से construction steps, I hope आपको समझ आया होगा, तो प्लीज नोट इट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6।
अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको अपने कंपास पेज सब चीज रेडी कर लीजिए, इसको साथ साथ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। तो एक बार मैं पहले रफ डायग्राम समझाऊंगा, फिर आपको इसका फेयर डायग्राम बना के सिखाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लेक्स है, काफी सारे स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इसलिए इसको वन बाय वन मेरे साथ ड्रॉ करते जाइएगा तो आपको ये इजी लगेगा, अदरवाइज ये टफ लगेगा। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या है। लेट ए बी सी बी आर राइट एंगल ट्रायंगल, हम मान के चलते हैं कि लेट कहा है इसने कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें पता है कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस टाइप से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ए बी सी दिस वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल। फिर उसने कहा था कि ए बी इज 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपको ए बी की वैल्यू कितनी लेनी है, 6 सेंटीमीटर लेनी है। फिर कहता है बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बी सी, तो दिस वन इज 8 सेंटीमीटर। आगे रीड करते हैं, एंगल बी इज 90 डिग्री, तो एंगल बी हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री का है, क्लियर। तो पहला तो स्टेप यही रहेगा, इसको ड्रॉ करना है हमें। आगे कहता है बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, बी ये रहा ए सी ये रहा, इसका मतलब इस पॉइंट से इस लाइन पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अभी तो फिलहाल मैं ड्रॉ कर देता हूं वैसे ही, लेकिन आप कैसे ड्रॉ करेंगे उसको स्टेप में सिखाऊंगा। इस पॉइंट से आपको इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है कि ये एंगल कितने डिग्री का बने 90, ये भी एंगल कितने डिग्री का बने 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्लियर ये स्टेप। तो ये क्या बन गया आपका बी डी, इतना क्लियर है। आगे रीड करिए, द सर्कल थ्रू बी सी डी, इसका मतलब आप आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, किस कौन से थे बी सी डी, बी सी डी, इसका मतलब आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इससे पास करता हो, इसका मतलब ऐसे सर्कल पास होगा जो बी पॉइंट से भी पास करता हो, डी पॉइंट से भी पास करता हो, और किस पॉइंट से भी पास करता हो, सी पॉइंट से भी पास करता हो, ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको, क्लियर ये चीज। नेक्स्ट रीड करिए, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए, यहां से आपको टेंजेंट भी ड्रॉ करने हैं टू दिस सर्कल, इस सर्कल पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, क्लियर है यहां तक। इसका मतलब आपको इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, एक टेंजेंट तो आपका बेसिकली यही बन जाएगा और एक टेंजेंट और ड्रॉ करना है, इसका मतलब यहां पे कहीं पे एक टेंजेंट और भी आएगा। ये था आपका रफ आइडिया, क्लियर। दोबारा से थोड़ा सा बताता हूं, सबसे पहले कहता है कि लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है ए बी सी, उसमें ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर बनानी है, बी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर लेनी है, और एंगल बी इज 90 डिग्री, इसका मतलब हमारी ट्रायंगल ऐसी बनेगी, ठीक है। दोबारा से बना के दिखाता हूँ आपको रफ डायग्राम, फिर फेयर दोबारा बनाता हूँ। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, इसका मतलब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बनानी है आपको ए बी सी, बी एंगल कितने डिग्री का बनाना है 90 डिग्री का, ए बी की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 6 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। फिर यहां से बी पॉइंट से इस ए सी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, अब परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है वो आपको सिखाऊंगा मैं, कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से किसी अनदर साइड पर। तो ये परपेंडिकुलर आ गया, इसका नाम क्या ले लिया बी डी, क्योंकि इसने कहा है बी डी इज द परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी ऑन ए सी, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर कहता है कि द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉ, तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो बी से भी सी से भी और डी से भी पास करता हो, इसका मतलब सर्कल कुछ ऐसा आएगा, जो सर्कल बी से भी पास कर रहा है, सर्कल डी से भी पास कर रहा है और सर्कल सी से भी पास कर रहा है, क्लियर है। फिर आपको कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, फिर इस पॉइंट से आपको इस सर्कल पर क्या ड्रॉ करने हैं टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये था आपका क्वेश्चन का रफ आइडिया, अब हम इसका फेयर डायग्राम बनाएंगे और ये थोड़ी सी वैल्यू याद रख लीजिए, अब मैं पूरे बोर्ड को रफ कर दूंगा, सो प्लीज मेक अ नोट। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो अपना ज्योमेट्री बॉक्स रेडी रखिए और साथ साथ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा।
सबसे पहले हमारे को परपेंडिकुलर पता था 6 सेंटीमीटर और बीसी पता था हमें कितने सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करिए 1 सेंटीमीटर की। मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं बीसी, ठीक है, दिस वन इज माय बीसी। अभी भी लाइन टेढ़ी है, ये है हमारी लाइन बीसी 1 सेंटीमीटर की। तो हमने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अब अपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले हम। तो इस बी को सेंटर बना के यहां पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तो हम सबसे पहले बी पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने क्या करा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। अब हम इसको मिला देते हैं, तो ये क्या बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, क्लियर है। अब हमें क्या करना था, डॉटेड की वजह इसको डार्क कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके बी पे रखकर आपको 6 सेंटीमीटर की लाइन कट करनी। तो यहां से हम देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर की यहां से हम कट करेंगे, तो दिस वन इज 8 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर अराउंड यहां जाएगा। तो यहां से हम कट करते हैं 6 सेंटीमीटर। अब जहां आपको ये दिखाई दे रही है 6 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन हो गया, तो इसको नाम दे दीजिए ए, दिस वन इज बी और ये सी, और ये कितने सेंटीमीटर हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कंपास ओपन करिए और बी पे रखकर आपको इतने सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ध्यान से लगाइएगा, ये स्टेप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में गलती करते हैं। बी को सेंटर बनाइए और इतनी कंपास ओपन करिए कि इस लाइन को हम दो पॉइंट पे कट कर सके बी को सेंटर बनाकर। अब देखिए, जैसे मैं बी पे सेंटर बनाता हूं और बी को सेंटर बना के मैं इसको दो पॉइंट पे कट करता हूं, क्लियर है। मतलब बी पे रखकर आपको इतनी कंपास ओपन करिए कि ये दो पॉइंट पर कट हो जाए। जैसे एक ये कट हो गया, सेकंड ये कट हो गया, दो कट हो गए। अब जो पॉइंट आपको यहां पर मिले हैं, ये दो पॉइंट मिले हैं। अब ये मैं सोचना कि कितनी कंपास, अपनी आइडिया से ले लीजिए और इसको रख के यहां पे दो कट लगाइए। फिर जो दो कट आपको यहां दिखाई दे रहे, ये दो पॉइंट, अब इन दोनों पॉइंटों का क्या करना है, हमें बाइसेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, दोनों पॉइंटों पे रखकर आप इसको कट करिए। अब जैसे कितनी भी आप ओपन कर लीजिए, लेकिन एक बार फिक्स करने पर, जैसे मैंने फर्स्ट यहां रखा फर्स्ट पॉइंट और एक ये आर्क लगाई, ऐसी उतनी ही आर्क आपको इस पॉइंट पे रख के लगानी है। तो ये दोनों आपस में कट हो गए। अब जो पॉइंट आपको यहां पर मिला है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट से बी पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर सकते हो, बट बस थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना, ये इसको थोड़ा डार्क कर देना। अब जो ये पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट है आपका डी पॉइंट, डी पॉइंट। अब यदि आपको देखना है, आप अपना प्रोटेक्टर निकालिए, डी निकालिए और डी पर, इस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर ही डी को रखेंगे, तो
तो आप देखेंगे कि जो ये एंगल बनेगा, ये आपको 90 डिग्री का बना दिखाई देगा। यदि ये एंगल आपका अभी 90 डिग्री का नहीं बना, इसका मतलब आपने यहां पे रख के सही टाइप से आर्क नहीं लगाई। ये था आपका वेरिफिकेशन कि ये एंगल शुड बी 90 डिग्री का बनना चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ये कहता था कि बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एसी पर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल शुड बी 90 डिग्री का। तो जो मैंने आपको स्टेप बताया, इस स्टेप से करेंगे तो ये एंगल आपको कितने डिग्री का मिल जाएगा, 90 डिग्री का। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें अपनी जो बीसी लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आता ही है कि जितनी आपकी बीसी है, बीसी आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा की कंपास ओपन करिए और बी और सी पर रखकर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करिए। तो हम यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं बीसी का, तो यहां पे रख के मैं कंपास से आर्क लगाता हूं, एक आर्क ये हो गई मेरी, सेकंड आर्क ये हो गई। सिमिलरली हम सी पे रख के आर्क लगाएंगे, ये आर्क ये हो गई और ये आर्क ये हो गई। अब हमने क्या करा है, हमने बीसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर किया है। तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन पॉइंटों को ज्वाइन करिए। जो बीसी लाइन को पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कट करेगा, उसको हम नाम दे देते हैं एम। तो मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूं, तब देखिए ध्यान से, अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो दिखाई दे रहा है आपको ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, एम पॉइंट, जो इसको इक्वल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ध्यान से बिल्कुल केयरफुली आपको ड्रॉ करना है, कैसे, एम को सेंटर बनाइए और एम और बी या एम और सी, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, तो इसको सेंटर बना के एक सर्कल ड्रॉ करिए जिसकी रेडियस कितनी लेनी है, या तो एम बी लो या एम सी, क्योंकि दोनों की दोनों हाफ है तो 4-4 ही आएगी। इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 4 सेंटीमीटर की आर्क ओपन करिए और एम को सेंटर बना के एक सर्कल ड्रॉ करिए। तो अब हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं एम, मतलब अब ध्यान से देखिएगा जो सर्कल आएगा वो देखिएगा, जब एम पे रखेंगे तो वो सी को भी टच करना चाहिए, बी को भी टच करना चाहिए और डी को भी टच करना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि होगा या नहीं होगा, जैसे हम यहाँ पे रखते हैं, यस ये डी को टच करता है, सी को भी टच करता है और बी को भी टच करता है, यस इसका मतलब हमारा सर्कल बिल्कुल करेक्ट है। इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल ड्रॉ हो गया पूरा। अब ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल ड्रॉ किया हमने, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है कि ये आपका बी पॉइंट से भी पास होना चाहिए और बिल्कुल डी पॉइंट से भी पास होना चाहिए और सी पॉइंट से भी पास होना चाहिए। यदि आपका सर्कल बिल्कुल ठीक नहीं होगा, यदि आपकी कंस्ट्रक्शन में डिफेक्ट होगा, तो ना तो वो सी पॉइंट और बी और डी तीनों पॉइंट से मैच नहीं करेगा। यदि आपका बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये जो सर्कल है आपका, ये B पॉइंट से भी, D पॉइंट से भी और C पॉइंट से भी पास करेगा। इतना क्लियर है, लेकिन अभी भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई। अब देखिए थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यहां तक कर लिया आपने। अब जो ये पॉइंट आपका ये दिखाई दे रहा है आपको M पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट को, M पॉइंट को A से ज्वाइन करिए। मैं ज्वाइन कर रहा हूं डॉटेड डॉटेड से कर रहा हूं, डॉटेड डॉटेड से दिखाई दे रहा है आपको ये M। मैंने ज्वाइन किसको करा, A और M को ज्वाइन करा।
अब जो आपने ए और एम को ज्वाइन करा ना, इसका हाफ करना है दोबारा से। हाफ का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। कैसे करेंगे? सेम वही, दोनों एंड पर रखकर हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके हम उसका बाइसेक्ट करेंगे। आप देखिए, मैं यहां से ध्यान से करूंगा। सबसे पहले मैं कंपास को ओपन कर लेता हूं, हाफ से ज्यादा, हाफ से ज्यादा मैंने कंपास को ओपन किया, ये ओपन कर दिया मैंने हाफ से ज्यादा, और ये मैं आर्क लगा रहा हूं यहां पर, ठीक है, एक आर्क यहां लगा रहा हूं। अभी आइडिया नहीं है कि किस पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए बड़ी आर्क लगा सकते हो, जब आइडिया हो जाएगा तो इसको स्मॉल आर्क पे कन्वर्ट करेगा। ये यस, अब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए तो इन आर्कों को बड़ा मत करिए, छोटा रखिए। तो हमारा पॉइंट कौन सा मिला हमें? ये पॉइंट मिला था, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट, दोनों पॉइंट मिल गए। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए मैं ये रेड ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको ऐसी लाइन दिखाई देगी, इसको रोटेट करना चाहते हो रोटेट कर दीजिएगा फिर बाद में। तो हमने किसका हाफ करा? ए और एम का हाफ किया। अब देखिए ध्यान से, जहां पे ये कट करता है ए एम को, किस पॉइंट पे कट करता है देखिए, यहां मार्क करते हैं, ये किस पॉइंट पॉइंट पे कट कर रहा है? यस, इस पॉइंट पर, ये रहा पॉइंट, दिखाई दिया आपको डार्क। अब इस पॉइंट पे रखकर ये हाफ है, किसका हाफ है? ए, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देता हूं मैं, इसको सपोज करता हूं नाम दे देता हूं, अभी फिलहाल मैं इसको पी नाम दे देता हूं, पी, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा इसका नाम चेंज कर देंगे। अभी जो पी पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट, तो अपनी कंपास को सेट करना है किस पे? एक पॉइंट ए पर और एक पॉइंट पी पर। यही इक्वल होगा सेम टू सेम पी और एम का, क्योंकि हमने इसका क्या करा है? हाफ करा है। तो आप पी एम की कंपास ओपन कर लीजिए या पी ए की कंपास ओपन करिए, दोनों सेम मिलेंगे। और इसको बना के आप एक सर्कल ड्रॉ करिए, तो हम पी एम को सर्कल बना, रेडियस बना के सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से करिए। तो ये आपको एक सर्कल बन जाएगा, क्लियर है? अब क्योंकि टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स है, आप ध्यान से देखिएगा। अब जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट, इसको डार्क कर दिया मैंने, बी पॉइंट, इसको डार्क कर दीजिए, और जो दोनों सर्कल आपस में कट करे हैं, कट कहां पे करे? इस पॉइंट पर, इसको डार्क कर दीजिए। अब इन दोनों, इनको ज्वाइन करिए। अब मैं इसको ज्वाइन करता हूं, दिस वन इज माई फर्स्ट टेंजेंट, और इसी को थोड़ा ज्वाइन करिए यहां पे, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ये दिस वन इज माई सेकेंड टेंजेंट। तो आपका सर्कल क्या था क्वेश्चन? कि ए पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी थी, तो हमने ए पॉइंट से ही टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट, और इसी पॉइंट से कौन सी टेंजेंट ड्रॉ कर दी? ये, इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, वैसे तो पॉइंट गिवन है, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे एबीसी हो चुकी है, ये पी हो गया, इसको क्यों नाम दे दीजिए,
कंस्ट्रक्शन समझ आई। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको बार बार दो या तीन बार तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगी, इस चीज को याद रखिएगा। तो इसलिए प्लीज जब तक इसको पोज रहा वापिस से इसको गो बैक करिए और फिर से देखिए कि क्या 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 स्टेप करने हैं, जो जो स्टेप बताए हैं उसी स्टेप से करिएगा और बिल्कुल पेंसिल शार्प हो गई और लाइट और डार्क पेंसिल दोनों यूज करोगे तो ये आपको जो फिगर है इतना कॉम्प्लेक्स दिखाई नहीं देगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको प्लीज डू केयरफुली। क्लियर है? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से फिर एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं और बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि सर एक बार दोबारा फिर बनाइए, एक बार दोबारा फिर बनाइए। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से फिर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। पजल में तो ये देखिए, दोबारा ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले आप क्या लीजिए, एक बी सी 8 सेंटीमीटर की लाइन लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे ये साइड ले लेता हूं मैं बी सी। कितने सेंटीमीटर के लिए मैंने बी सी 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। यहां जितनी भी आर्क लगाओ आप लाइट पेंसिल से लगाइएगा, यदि लाइट पेंसिल यूज नहीं करेंगे तो ये थोड़ा टफ बनेगा और कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सबसे पहला आप 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको बी पॉइंट पर। इसको भी आप बिल्कुल डॉटेड डॉटेड लाइन से बनाइए, डार्क मत बनाइए कहीं भी, और जितनी आर्क यूज हो रही है ना उतने ही बनाइए, एक्स्ट्रा डार्क मत आर्क मत ड्रॉ करिए ताकि वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। देखिए ध्यान से, मैं जैसे ड्रॉ करता हूँ यहां से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो मैं यहां पे रख के 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता हूं। ये हो गया 90 डिग्री। अब कैसे करते थे कि एक बार इस पॉइंट पे रख के यहां से एक आर्क लगानी है, फिर इस पॉइंट पे रख के यहां से आर्क लगानी है आपको, फिर इसी पॉइंट पे रख के यहां से आर्क, और फिर यहां से रख के इस आर्क पे रख के इस आर्क को कट करना है। कट कर दिया। अब जितनी आर्क यूज हो रही हो ना सर उतने ही रखिए, बाकी आर्क को हटा दीजिए ताकि ये पजल ना हो। अब मैं इसको थोड़ा डॉटेड बना देता हूं, रबर से आप इरेज कर दीजिएगा। अब आपको लाइन कौन सी दिखाई देनी है, अभी मैं पहले सबसे पहले ब्लैक मार्कर यूज करूंगा ताकि आपको दिखाई दे डिफरेंस। ये लाइन है तो इस लाइन को ज्वाइन करता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ी लाइन कर देता हूं ऐसे करके। ठीक है, इस लाइन को डार्क कर दीजिएगा और इस लाइन को डार्क करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करिए, जिसकी आपको स्टार्टिंग में जरूरत होगी, जैसे आपने मैंने पहले ड्रॉ करा, यदि उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट कर सकते हैं, या वही स्टेप इजी लगते हैं तो वही स्टेप भी लगा सकते हैं। ये 8 सेंटीमीटर थी और ए बी कितनी लगानी है आपको 6 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की आप कट करता हूँ। दोबारा देखिए ध्यान से, मैं 6 सेंटीमीटर की आप कट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब जहां ज्वाइन करूंगा मैं ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूं, ध्यान से यूज करिएगा। ठीक है, ज्वाइन कर। अब अपनी कंपास को ओपन करिए, इतना कंपास ओपन करिए कि एक पॉइंट तो आपको बी पे रखना है और वो बी पे रखकर आप इस लाइन को दो पॉइंट पे कट कर सको, इतनी आर्क आपको ओपन करनी है। तो देखिए अपने कंपास को इतना सेट करिए कि दो इस लाइन को दो पॉइंट पे कट करिए, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट कट कर दिया और ये सेकेंड पॉइंट, दो पॉइंट कट कर दिए फर्स्ट और सेकेंड। दो पॉइंट कट करने के बाद आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट ये दिखाई दे रहा है और एक पॉइंट ये दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों पॉइंटों को क्या करिए, एक सेंटर बना के दोनों पे का हाफ करना है। हाफ कैसे करते हैं, आप कितनी भी कंपास ओपन करिए और एक बार इस पॉइंट पे रखिए कंपास और एक बार इस पे रखिए, आर्क लगाइए, दोनों आर्क आपस में कट करेगी। जैसे मैं कट कर दिखाता हूं, यहां पे रख के मैंने एक आर्क लगाई, ये इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाई, ये कट करके ये जिस भी पॉइंट पे कट कर रही है पहले तो उसको मार्क करो, ये पॉइंट आपने मार्क यहां कर दिया,
और ये पॉइंट आपका मार्क किया, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करना है। स्केल की हद से करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। मैं भी ड्रॉ करता हूं, देखिए ध्यान से। ये मिल, ठीक है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एंगल क्या बनेगा आपका 90 डिग्री का। और इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए आप इस पॉइंट पर रखकर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनता है। प्रोटेक्टर की हेल्प से, डी की हेल्प से चेक कर लेंगे कि आपका एंगल 90 डिग्री का बनता है। इट मीन्स आप बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये स्टेप आगे समझ आपको। इसके बाद क्या करना है, जो वेस्टेज है आज उसको कट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि पजल नहीं होंगे, इसको रफ कर तो इरेजर से इसको थोड़ा सा आर्क को कम करते जाइएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा पजल होता जाएगा। अब आपको आपकी जो ये लाइन है बीसी, इसका हाफ करना है। हाफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो हाफ करिए। हाफ करने के लिए भी कंपास को देखिए ध्यान से, ज्यादा बड़ी आर्क मत लगाइए, छोटी सी आर्क। मैं यहां से हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करता हूं, ये आर्क लगाता हूं, ऐसे ही यहां पे आर्क लगाता हूं, ठीक है। ऐसे ही इस सी पॉइंट पे रखकर फिर मैं आर्क लगाऊंगा, ये पॉइंट कट कर दिया और ये पॉइंट। जो भी आपको पॉइंट मिल गए उसके अलावा जो आर्क दिखाई देगी उसको साफ कर दीजिए इरेजर से। अब आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक पॉइंट तो ये और एक पॉइंट ये, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। यहां से आपको बारीक सी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको समझ आ गया ये, नहीं आया तो मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको, क्योंकि फिगर में दिखाई नहीं दे रहा इसमें। एक आर्क ये है, एक आर्क ये, सेकेंड हमने इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाई और ये आर्क। हमें दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट तो ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन इतना ही करना है ताकि इस पॉइंट ये पॉइंट मिले, ऊपर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ज्वाइन कर दिया तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है? अब मैं इसको थोड़ा सा इतना रब कर देता हूं क्योंकि इसका यूज नहीं होगा, इसका भी इतना यूज नहीं होगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब जो ये पॉइंट है आपका, इसको कुछ भी नेमिंग दे दो। मैं जैसे इसको ए बी सी, ये पॉइंट क्या था आपका ए बी सी, इसको नाम दे देता हूं सपोज डी पॉइंट दे देता हूं। अब आपको डी पॉइंट पे रखकर एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी होगी बी डी, क्योंकि ये हाफ है, बी डी और डी सी हाफ है, तो दोनों की टोटल साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो ये भी 4, ये भी 4, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर का आप कंपास ओपन करिए और एक सर्कल ड्रॉ करिए। तो आप देखेंगे कि 4 सेंटीमीटर जो आपका यहां से आएगा, ये जो पॉइंट आपका यहां भी टच करेगा और यहां भी टच करेगा और यहां भी टच करेगा, तो दोनों को ज्वाइन करते हुए पास करेंगे। देखिए ध्यान से मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया, क्लियर है? नीचे का डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम देखना चाहते हो देख सकते हो। अब यहां पे करने के बाद बिल्कुल केयरफुली करना है आपको। कैसे करना है, जो ये पॉइंट आपको मिला है, ये पॉइंट
ये मिड पॉइंट है, इस पॉइंट को ए पॉइंट से ज्वाइन करना है। अब मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ज्वाइन कर दिया मैंने, किस किस को ज्वाइन करा, ए और डी को। अब जो ज्वाइन करा आपने ए और डी को, इसका हाफ करना है आपको, इसका हाफ करते हैं। हाफ करने का स्टेप वही रहेगा, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करनी है आपको, तो हम वही चीज यहां पे करेंगे, ध्यान से करते हैं, ए यहां पे करते हैं, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करते हैं, यस। कहां पे कट कर दिया दिखाई दिया आपको, इन दोनों पॉइंट पे रखते हुए तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे आर्क कट कर रही है, किस किस पॉइंट पर, एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, बाकी आर्क को आप साफ कर सकते हो, दोनों पॉइंट दिखाई दे दिया आपको। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए, आपने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए जो यहां पे ज्वाइन कर रहा, तो आपने यहां देखा यहां पे कोई पॉइंट मिलेगा आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट मिल गया, यहां ए बी सी डी, इसको मैं ई पॉइंट नाम देता हूं, ई पॉइंट। अब आपको फिर से सर्कल ड्रॉ करना है, कितने सेंटीमीटर का, उसकी रेडियस कैसे चलेगी, ई और डी, जितनी E और D डायमेंशंस है उतनी ही A और E भी आएगी, दोनों डायमेंशन सेम आएगी। तो आप ध्यान से देखिए, आप इस पे ओपन करिए कंपास, ED पे सेट करिए, और यहां से देखिएगा यहां पे जितने सेट करोगे E को भी कट करेगी और ये B को भी कट करेगी, और इसी टाइप से आप इसको सर्कल से ड्रॉ करिए। सर्कल ड्रॉ हो गया आपका। अब देखिए सर्कल इस पॉइंट को कहां कहां कट रहा है, पहले देखिए ये सर्कल और ये सर्कल कट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब ए पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तो इसको मैंने क्या नाम दिया था, E पॉइंट, इसको नाम दे देता हूं मैं F पॉइंट। तो A को और F को ज्वाइन करिए, तो एक टेंजेंट आपको ये मिल जाएगा, और A और B इसी को थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये तो दिस वन इज आवर सेकेंड टेंजेंट। तो ये दोबारे से मैंने कब की कंस्ट्रक्शन, क्लियर हो गया। तो इसको दो या तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये टफ नहीं लगेगी, फिर आपको इजी लगेगी। यदि आप सोचते हो कि एक ही बार में आप सीख जाओगे इस स्टेप को, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख पा रहा हूं, तो प्लीज ड्रॉ इट नीट एंड क्लीन विथ डार्क पेंसिल एज वेल एज लाइट पेंसिल की हेल्प से। नाउ लुक एट द कंस्ट्रक्शन स्टेप, काफी बड़े कंस्ट्रक्शन स्टेप से मैंने पूरे तो नहीं लिख पाया, लेकिन तीन चार स्टेप लिख दिए हैं, रिमेनिंग स्टेप आपको याद रहेंगे तो कर सकते हो। तो ड्रॉ ए, सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, तो हमने लिखा ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बीसी ऑफ 8 सेंटीमीटर, और एट पॉइंट बी पर कितने डिग्री का एंगल बनाया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। फिर नाउ कट दिस लाइन टू 6 सेंटीमीटर, जिससे हमें पॉइंट क्या मिल गया था, ए पॉइंट। फिर हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया एसी, एसी को ज्वाइन कर दिया, तो इससे क्या बन गया, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। उसके बाद हमने क्या करा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाई ऑन एसी फ्रॉम पॉइंट बी, कैसे करा था, हाफ से ज्यादा कंपास करके जो एसी को दो पॉइंट पे कट करे, बाई ओपनिंग द कंपास दैट कट एसी एट टू पॉइंट्स पे कट करती है, टेकिंग बी एज अ सेंटर, और बी को सेंटर बना के हमें द्वार लगाई। फिर उसका हमने हाफ करा, नाउ टू हाफ ऑफ दिस टू पॉइंट, इन दो पॉइंट्स का हमें हाफ करना था, फिर हमने हाफ का हाफ किया, दिस टू पॉइंट्स एज अ सेंटर, जो दो पॉइंट कट करे उनको सेंटर बना के
ज्वाइन विद बीसी, उसको बी से ज्वाइन कर दिया, तो हमारे को क्या मिल गया था 90 डिग्री का एंगल मिल गया था। फिर नाउ स्टेप फोर, डू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, फिर हमने बीसी जो लाइन उसका हाफ किया था, विच कट बीसी जिस पॉइंट पे कट कर रहा था वो डी पॉइंट पर कट कर रहा था, नाउ टेकिंग डी को सेंटर बना के फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, नाउ ड्रॉ ए सर्कल। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप थे वो आप खुद लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने पूरे नहीं लिखे हैं क्योंकि बोर्ड कंप्लीट हो गया था, बहुत बड़े स्टेप है, तो दो तीन स्टेप्स रह गए हैं, वो स्टेप्स आपको खुद लिखने हैं, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल, बैंगल का मतलब चूड़ी, आपको एक बैंगल की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करना है, टेक अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल, फिर उस सर्कल के बाहर से एक पॉइंट लेना है आपको, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट, और फिर उस पॉइंट से जो बैंगल से बाहर आपने एक पॉइंट लिया उस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, समझ आया, टू द सर्कल, क्वेश्चन क्लियर हुआ है युवा, तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है कि आपको एक बैंगल लेना है, ठीक है, बैंगल का मतलब क्या है, आप अपनी मर्जी से एक सर्कल ड्रॉ करिए, लेकिन आपको उस सर्कल का सेंटर नहीं पता होना चाहिए, ठीक है, फिर उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट से आपको सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, दैट इज द क्वेश्चन, क्लियर, तो बस यही चीज कहा है और कुछ नहीं कहा, तो ये एक्टिविटी पार्ट है, इसको करेंगे, तो प्लीज नोट द स्टेटमेंट। नाउ आप स्टार्ट करते हैं, यदि आपके घरों में बैंगल रखी हुई है तो आप एक बैंगल लीजिए और उसको पेज पे रखिए और उससे क्या करिए एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, यदि बैंगल नहीं है तो क्या करिए आप अपनी मर्जी से एक सर्कल ड्रॉ करिए, ठीक है, कहीं पर मर्जी, क्योंकि सेंटर आपको पता नहीं होना चाहिए, सेंटर तो हम खुद निकालेंगे, जैसे मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर रखकर एक सर्कल लगाता हूँ, ठीक है, अब मैंने यहाँ सेंटर कहीं नहीं लिया, मुझे नहीं पता सेंटर कहाँ पर है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से एक सर्कल लगाता हूँ, देखिए ध्यान से, ये एक सर्कल लगाता हूँ मैं यहाँ से, दिखाई दिया आपको, थोड़ा सा गलती होगी कोई नहीं, इसका अंदर हमारा सर्कल बन गया, अब देखिए कहीं मुझे क्या इसका सेंटर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, मुझे पता नहीं इसका सेंटर कहां पर है, तो सबसे पहला स्टेप जब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, कहां से ड्रॉ करना है, किसी एक पॉइंट से, मैं पॉइंट यहां ले लेता हूं, ये मेरा पॉइंट पी, इस पॉइंट से मुझे इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि किसी भी सर्कल पर किसी बाहर किसी पॉइंट से ओनली दो ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको इस सर्कल के सेंटर ऑब्टेन करना, तो सेंटर कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कोई भी दो कोर्ड सेलेक्ट करनी है, कोर्ड पता है ना, दो पॉइंट लीजिए किसी भी सर्कल पर उसको ज्वाइन कर दीजिए, उससे क्या मिल जाएगी आपको एक कोर्ड मिल जाएगी, तो जैसे मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले लेता हूँ, ये दो पॉइंट्स, इसका मतलब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए और बी, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए, आपने वन ली, ऐसे ही एक और लीजिए, एक और लेता हूं मैं यहां पे ले लेता हूं, सपोज करते हैं यहां पे लेता हूं, दिस वन इज सी और डी, कोई मेजर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको सिंगल दो कोर्ड लेनी है, कोई भी ले लीजिए, तो मैंने अपनी मर्जी से दो कोर्ड ली, अब दोनों कोर्ड का क्या करिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए, इसका मतलब आपको लाइन ए बी और सी डी का क्या करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर करूंगा आपको पता है हाफ से ज्यादा ओपन कंपास करके उसका हाफ करना है, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट पे रखते हैं, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करते हैं, यस ये आ गया, फिर यहां पे रखते हैं सेकेंड पॉइंट, ये कट हो गया और ये कट हो गया, यहां पर कट नहीं हुआ, कट करिए, यस, यहां से भी कट कर लेते हैं, सबसे पहले ये कट यहां हो गया और ये कट यहां, यहां पे रखते हुए कट लगाते हैं, दोबारा से लगाते हैं इस पे कट, दोनों को बाइसेक्ट किया आपने, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रब कर देते हैं,
अब दोनों को ज्वाइन करिए, ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। इट मींस ये लाइन है, इन दोनों को ज्वाइन करिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या लाइन आएगी आपकी, ये लाइन, ठीक है। अब जिस भी पॉइंट पे कट करें, ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका सेंटर, तो इसको मैंने किससे नाम दे दिया, तो हमें ये मिल गया सर्कल का सेंटर। तो ये स्टेप होता है कि सर्कल का आपको सेंटर ऑब्टेन करना है, तो सेंटर कहां पे होता है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जो बाइसेक्टर करते हुए आता है किसी भी दो कोण को ऑन द सर्कल, ये होता है सेंटर डिटरमाइन करने का एक स्टेप। अब इस पॉइंट से आपको क्या करना है, इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो नेचुरली मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा मैचिंग करने के लिए, थोड़ा पजल करने के लिए इसी भी ले लेता हूं, बल्कि एक सेंटर या कहीं और ले लेता हूं, मान लेते हैं यहां पे, कहां पे यूज करूं, यहां पे यूज करूं, ये है मेरा पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सेपरेट कर दिया ताकि फिगर अच्छा बने। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो इसको और इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हमने इसको ज्वाइन कर, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब दोनों का फिर से क्या करिए, ओ और पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, करिए हाफ से ज्यादा ओपन कंपास करिए, हाफ से ज्यादा हमने ओपन कंपास करी, ये आर्क आ गई और ये आर्क आ गई, ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट पे रख के भी आपको हाफ करने हैं, ए ये आर्क आ गई और ये आर्क आ गई, इसका मतलब हमें मिल गया, आप जो एक्स्ट्रा आर्क इसको रब कर दो ताकि पजल नहीं हो गया, यस इसको रब कर दिया एक्स्ट्रा पार्ट, इसको मार्क कर लो, कौन कौन से पॉइंट आए आपके पास, एक पॉइंट तो ये आ गया और एक पॉइंट ये आया, दोनों पॉइंट आ गए, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, दोनों को ज्वाइन करते हैं, क्या आपने क्या करा, इसको ज्वाइन करते हुए डॉटेड लाइन लगा दिया आपने इसका, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट आ गया आपको सी, इसको क्या नाम दे देता हूं मैं, एम, एम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किस लाइन का, ओपी का, इसका मतलब ओ एम और एम पी दोनों इक्वल है, तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, ओ एम या पी एम दोनों इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इतना कंपास ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ करिए, तो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और एम को सेंटर बनाना है, तो एम को सेंटर बनाना है और एम पी या ओ एम इसको इक्वल रिड्यूस करना है, तो ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। आप देखिए ध्यान से किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये जो सर्कल है इस सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट तो ये और एक पॉइंट ये, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हमारा जो सेंटर पॉइंट था, इस पॉइंट से दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए, तो मैं ज्वाइन कर देता हूं इसको, तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है ये, इसको मैं पॉइंट को नाम दे देता हूं क्यू, इसको नाम देता हूं आर, इसका मतलब पी क्यू और पी आर आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट किस पे, ये क्या है आपकी, ये है बैंगल और ये क्या है आपका सेंटर। तो यहां पे दो पार्ट थे, आपको सेंटर भी डिटरमाइन करना था और क्या ड्रॉ करनी थी आपको, टेंजेंट भी ड्रॉ करनी थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप इस डायग्राम को बनाइए। सो प्लीज मेक अ नोट
नाउ लुक एट द बोर्ड, ये कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे हैं, नोट कर लीजिए इसको। ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल, आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ बैंगल, ठीक है। टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ द सर्कल, फिर हमने एक पॉइंट लिया पी आउटसाइड ऑफ द सर्कल। एंड टेक टू कोर्ड्स ए बी एंड सी डी, दो कोर्ड ली हमने ए बी एंड सी डी। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कोर्ड, उनका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा। लेट देम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, दोनों की दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी, ओ पॉइंट पर, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। फोर्थ स्टेप क्या था, जॉइन ओ पी, फिर हमने ओ और पी को ज्वाइन किया एंड बाइसेक्ट इट, फिर उसको बाइसेक्ट करा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, विच किस पॉइंट पे कट करता था, एम, तो एट, लेट एम बी द मिड पॉइंट। फिर हमने पॉइंट पी ओ को टेकिंग एज अ एम एज अ सेंटर, एम को सेंटर बनाया और ओ पी को रेडियस बनाई और एक सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ ए सर्कल जिसकी रेडियस क्या थी, पॉइंट, विच विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, किस किस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे और आर पॉइंट पर। फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, पी क्यू को और पी आर को, तो दीज आर द क्या है हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट, ये सारे क्या हो गए इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, क्लियर है। तो प्लीज मेक अ नोट, तो हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए है, ड्रॉ कर लिए है, तो आप अपनी उसको फेयर नोटबुक पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करिए और विद ईच एंड एवरी स्टेप कंस्ट्रक्शंस के लिखिए, ताकि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो फाइनल एग्जाम की तो आप कंस्ट्रक्शन स्टेप को देख के, यदि कोई आप स्टेप भूल भी जाते हो तो उसको रीड करके आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी और इंटरेस्टिंग भी है, और 5 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाएगा डेफिनेटली, तो लिमिटेड क्वेश्चन है, you can score easily 5 or 6 marks very quickly. So please make a note. Thank you once again for watching my video from starting to the end.